चेहरों से जिन्होंने खेल की दुनिया में भारत को नई पहचान दिलाई। दिल्ली के पहाड़गंज की तंग गलियों में रहने वाले गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये स्पेशल खिलाड़ी अब चैंपियन हैं। दिमागी तौर पर ये भले ही कमजोर दिखते हों, लेकिन देश को सुनहरी कामयाबी दिलाने का जज्बा इनमें जरा भी कम नहीं दिखता। इन तीन तस्वीरों में आपको जो चैंपियन चेहरे दिख रहे हैं वो खास है। देखने में तो ये दूसरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन दिमाग की तौर पर उनके मुकाबले कमजोर हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने सियोल में हुए स्पेशल विंटर ओलंपिक में भारत को सुनहरी कामयाबी दिलाई। खास बात यह है कि इन तीनों का ताल्लुक दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों से है। खुद को चैंपियन साबित करने वाले तिवारी के पिता रेहड़ी लगाते हैं, तो अल्पना और सुमन के परिवार वालों को गुजारा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। गरीबी और बदहाली में जीने वाले इन चैंपियंस और उनके परिवार वालों ने कभी मुश्किल के आगे घुटने नहीं टेके। नतीजा अब सामने है, कामयाबी की नई इबारत कर चुके हैं ये तीन चेहरे। ये दिल्ली के पहाड़गंज के कोहिनूर हैं, इंडिया के स्पेशल चैंपियन हैं। वो चेहरे हैं जिनके हौसले को आज दुनिया सलाम कर रही है। जिनका जज्बा करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए मिसाल है। पहाड़गंज की तंग गलियों से निकलकर चैंपियन का तमगा हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन आम बच्चों से अलग इन चेहरों ने खुद को खास साबित किया। अपने नाम के साथ चैंपियन का तमगा जुड़वाया। सियोल में स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में भारत को सुनहरी कामयाबी दिलाई। इन चैंपियंस ने रास्ते में आई मुश्किलों को कमजोरी बनने नहीं दिया, मुसीबतों को मंजिल बना लिया। और फिर क्या था, जुनून ने जहां जीत लिया। गरीबी ने इन चैंपियंस को किस कदर घेरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18 बरस के राजकुमार तिवारी के पिता पहाड़गंज में रेड़ी लगाते हैं, तो अल्पना और सुमन के माता पिता दूसरों के घरों में काम कर अपना घर चलाते हैं, परिवार का पेट पालते हैं। यहाँ तक कि इनके सिर पर छत बस नाम भर की है, लेकिन ये इनका जज्बा था जिसने अपने बच्चों के जुनून को गरीबी की भेंट चढ़ने नहीं दिया। और कहते हैं कि मेहनत मोहताज नहीं होती, कामयाबी अब इन परिवार के लाडलों के कदम चूम रही है, क्योंकि अब वो बन चुके हैं हिंदुस्तान के कोहिनूर। किरण चोपड़ा, जी न्यूज, दिल्ली। कहते हैं प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती, और इसकी मिसाल है राजकुमार तिवारी। दिमागी तौर पर कमजोर राजकुमार आज स्पेशल विंटर ओलंपिक में सोने का तमगा जीतकर हिंदुस्तान की शान बन चुके हैं, लेकिन कामयाबी के इस मंजिल तक पहुंचना राजकुमार और उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। सब लोग ताना बोली मारे कि इतना कम बच्चे के दिमाग है और आदमी भी इनकी कम कमाने वाला है, तो हम नहीं हेल्प देंगे पाएंगे या अपने बच्चे कैसे पालेंगे। तो मैं इसे सोच के अपने आदमी के पास चले आए कि हमारे आदमी थोड़े कमाएंगे तो थोड़े में अपना गुजारा करेंगे, अपना बच्चा के अरमान पूरा करेंगे। लाडले की खुशी पर माँ को कितना नाज है, ये उनकी आवाज बयां कर रही है। गला रूंध जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर बेटे की कामयाबी की कहानी पढ़ी जा सकती है। आखिर हो भी क्यों ना, बेटा आज हिंदुस्तान का सिर ऊंचा कर जो लौटा है, उसने खुद को चैंपियन साबित कर दिया है। दिमागी तौर पर कमजोर राजकुमार ने स्पेशल विंटर ओलंपिक्स के फिगर स्केटिंग मुकाबले में भारत को सुनहरी कामयाबी दिलाई।
लेकिन चैंपियन बनने के लिए जो मेहनत उसने की उसकी कहानी कम लोग ही जानते हैं। राजकुमार के पिता पहाड़गंज में रेड़ी लगाते हैं। एक छोटे से कमरे में रहते हैं जिसमें किचन तक नहीं है। हर महीने की कमाई करीब 450 रुपए है, जिसमें 4 बच्चों का पेट भी पालना है। ऐसे में फिगर स्केटिंग जैसे खेल के लिए बेटे को ट्रेनिंग कराने की सोचना ही दूर की बात है। लेकिन कहते हैं कि अगर मंजिलें हैं तो रास्ते भी हैं। परिवार ने बेटे का सपना सच करने की जद्दोजहद शुरू की तो कई और हाथ मदद के लिए आगे बढ़े। जल्द ही बेटा ट्रेनिंग करने लगा था। हम रात को सारे नेट पे बैठते थे तो वही गेम खेलता था, फ्रेंड से बात करता था। लेकिन हम फ्रेंड से ना बात करके, हम ना गेम खेल के, हम वहाँ पे वीडियो देखते थे अपने स्पेशल ओलंपिक। अब राजकुमार को कामयाबी मिली है तो हर चेहरा परिवार की इस खुशी में शामिल है। पूरे पहाड़गंज में जश्न मन रहा है। आखिर कामयाबी स्पेशल जो है। पहाड़गंज की इन छोटी छोटी गलियों में पल रहा था एक बड़ा सपना, स्पेशल ओलंपिक से गोल्ड हासिल करना। और इस सपने के बीच राजकुमार की कई तकलीफें आई, चाहे वो गरीबी हो या फिर भगवान की दी हुई कमी। लेकिन वो रुके नहीं, थमे नहीं और आखिर हासिल कर ही लिया उन्होंने अपने लिए वो ओलंपिक गोल्ड। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ किरण चोपड़ा, जी न्यूज, पहाड़गंज, दिल्ली। माँ दूसरों के घर काम कर कर परिवार का पेट पालती है, लेकिन बेटी देश के लिए सोने के मेडल जीतती है। दिखाएंगे इसकी कहानी भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा।